पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्के मकान बनाकर देना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश से झुग्गी झोपड़ी हटाकर पक्के मकान बनाने के लिए हितग्राही को 3 किस्तों में 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन पैसा लेकर मकान न बनाने वाले अब जेल जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरदा जिले में लगभग 7,000 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया, जिसमें से 4,000 मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं और लगभग 2,500 पर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन 34 हितग्राहियों ने 2 वर्ष पूर्व पहले किस्त के 1,00,000 रुपए लेकर अपने निजी कार्यों में खर्च कर दिए हैं और मकान का काम शुरू भी नहीं किया है, जिसे लेकर नगर पालिका ने उन्हें नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में 4 एवं सिटी कोतवाली में 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिस पर उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा और पैसों की वसूली की जाएगी। पूर्व में भी कुछ लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी। कुल मिलाकर अभी तक 69 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। शहर में अभी कुल 64 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके पहले भी 5 लोगों कराई गई थी सिविल लाइन्स थाने में, और इस तरह कुल 69 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसे दिए गए थे, पहली किस्त 1,00,000 रुपये के रूप में, लेकिन इन लोगों ने विगत 4 वर्षों से आज तक मकान के काम नहीं शुरू किए थे। इनको 2-2 बार नोटिस भी दिए गए थे, इनको व्यक्तिगत रूप से हमारे मतलब वार्ड प्रभारी जाके समझाइश दिए थे कि ये गवर्नमेंट का पैसा है, आपको मकान बनाना है, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ना तो मकान बनाया ना अभी तक पैसे वापस किए, इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी है। और शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो लोग मकान नहीं बनाना चाह रहे हैं उनसे पैसे वापस करके उनका नाम सरेंडर की सूची में डालिए, और यदि पैसे नहीं देते हैं तो वसूली करने की जो भी पुलिस प्रकरण में या न्यायालयीन प्रकरण जिसमें कार्रवाई करना हो करिए और करके हमको रिपोर्ट दीजिए, इसलिए कार्रवाई की गई। सर, प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने वालों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, कितने लोग हैं और क्या मामला है? देखिए, आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्ञानेंद्र यादव ने एक जांच रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कराई है थाना कोतवाली में। उन्होंने अपने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है करीब 37 लोग ऐसे हैं जिनको पहली किस्त दी जा चुकी है, 2020 से वो किस्त दी गई है, और उन्होंने घर जा जाकर सर्वे किया तब भी उन्होंने पाया कि वो उस रास्ते पहली किस्त तक का उन्होंने उपयोग नहीं किया, और इस प्रकार उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर 37 के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। धारा 406 के अंतर्गत जो गबन राशि है 39 लोगों के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, आप उस पर पुलिस क्या कार्रवाई? जी, पुलिस उन राशि जो शासन की जो राशि है वो जब्त करेगी और उनकी लोगों की गिरफ्तारी करेगी। मामला ये है कि पूर्व परिषद ने यहाँ पे जो हितग्रही थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, उनके तो उनको 1,00,000 रुपए दिया गया था और उन्होंने अभी तक काम चालू नहीं करा है। कारण क्या रहा कि उस वक़्त क्या है कि पार्षदों के द्वारा जो है ना उनसे पैसे भी लिए गए, 20,000 रुपये लिए गए, उनको 20,000 रुपये देने के बाद उनके पास पैसे 80,000 बचे, और मटेरियल भी बहुत महंगा हो गया तो इसके कारण उनके पास पूंजी कम हुई तो वो काम नहीं कर पाए, इसके कारण वो काम पेंडिंग चले आ रहे हैं। 64 आदमियों के ऊपर FIR कर दी। नहीं, गलत है ये पूरा जो मामला है, गलत है ये, क्योंकि आपने सरकार की एक ना बहुत अच्छी योजना है ये गरीब लोगों के लिए, लेकिन क्या है कि उनको एक मौका देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। एक हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।